बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, देश के संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की शुचिता, उस संविधान का संरक्षण। और कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है, मोदी जब तक जिंदा है मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आम्बेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उस पर रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। तुम्हारा जो इरादा है वो इरादा है कि दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग, जिनको आरक्षण मिला है उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं, मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो हिम्मत हो तो, नहीं करेंगे, क्योंकि दाल में कुछ काला है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं उनको, और मैं दुनिया और देश के सामने रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आम्बेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है,